होम्योपैथिक दवा लेने के आधा से एक घंटा पहले और भोजन के आधा से एक घंटा बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। दवा लेते समय मुंह बिल्कुल साफ होना चाहिए। होम्योपैथी की या कोई दूसरी यानी एक दवा से दूसरी दवा लेने के बीच एक घंटे का फासला रखना चाहिए। अर्क यानी तरल, जिसे टिंचर या लिक्विड कहते हैं, उस रूप में दवा लेनी हो तो 5 से 10 बूंद साधारण पानी में डालकर पीना चाहिए। गोलियां यानी ग्लोबुल्स लेनी हो तो उम्र के अनुसार 5 से 6 गोली से लेकर 10 से 12 गोली तक एक खुराक में मुंह में डालकर चूसना चाहिए। नवजात शिशु से 5 वर्ष के बच्चों को 3 शक्ति यानी 3 पोटेंसी की खुराक दिन में 2 या 3 बार देनी चाहिए। 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को 6 पोटेंसी की खुराक दिन में 2 या 3 बार देनी चाहिए और बड़ों को 30 शक्ति की यानी 30 पोटेंसी की खुराक दिन में 2 या 3 बार लेनी चाहिए। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए और वृद्ध लोगों को 200 शक्ति की एक खुराक दिन में 1 बार रोग की अवस्था के अनुसार दी जानी चाहिए। दवा लेते समय पेट खाली होना चाहिए। 3 या 30 शक्ति की खुराक दिन में 2 या 3 बार लेनी चाहिए। 200 शक्ति की खुराक सप्ताह में 1 बार और 1 ml यानी 1000 शक्ति की दवा महीने में 1 बार लेनी चाहिए और उस दिन कोई दूसरी दवा नहीं लेनी चाहिए। होम्योपैथिक चिकित्सा के दौरान खुशबू वाले पदार्थों और कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि शरीर में कहीं भी दर्द हो, जो कभी दाईं तरफ हो कभी बाईं तरफ बदलता रहता हो, चाहे वो घुटने का दर्द हो या कोई भी कहीं भी जगह बदलते रहने वाले दर्द में ये उपचार करना चाहिए। लेक केनियम 200 शक्ति की 6 से 7 गोलियां सुबह खाली पेट चूसने से लाभ होता है। ये खुराक ठीक होने तक लेते रहें।